पर इन्हें बहुत सारे किरदारों में आपने देखा होगा, पर आज हम आपको इन्हें एक बेहद ही अलग अवतार में दिखाने जा रहे हैं। आप प्रोफेसर वरदान को तो नहीं भूले होंगे ना? नहीं, हम बात कर रहे हैं कलश के रवि की, जो कि एक बेहद ही डिफरेंट अवतार में आपके सामने आ रहे हैं और उन्होंने करवाया है अभी रिसेंटली फोटोशूट। तो फिर हम आपसे पूछेंगे, कृप सबसे पहले स्वागत है आपका टेली मसाला में। थैंक यू सो मच। तो कैसे टाइम निकाला आपने? जी क्या हो गया, छुट्टी थी तो एंड आई नो अमित एंड वी वर प्लानिंग, काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे शूट करने का, तो जब छुट्टी मिली तो बस एक ही दिव चीज़ दिमाग में है कि फ़ोटो शूट किया जाए, तो बस वो टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं और ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ी सी इमेज हटानी है क्योंकि प्रोफेसर वरदान से जो इमेज बनी है वही, सो नाउ सिंस आई एम डूइंग दिस लवर बॉय एंड कैरेक्टर जो कि कलश में है, तो उसके लिए थोड़ी सी इमेज चेंज करने का सोचा कि चलो कुछ करके देखते हैं अलग अंदाज में, क्योंकि हमारे टीवी इंडस्ट्री में जब आप एक किरदार निभाते हैं तो वो बहुत अगर ज़्यादा हिट हो जाए, जो कि अच्छी बात है, तो उसका एक बहुत ज़्यादा आपका हैंगओवर ऑडियंस पे रह जाता है। सो ऑडियंस को लगता है कि पीपल थिंक दैट कि ये सिर्फ यही एक किरदार के लिए फिट बैठते हैं। सो आई जस्ट, मुझे वो सब बैरियर्स तोड़ने और तोड़कर आगे बढ़ना है कि नहीं, वो एक कैरेक्टर था जो मैंने प्ले किया है, अब मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे ये भी करना है, मुझे इसके तरह और भी बहुत सारे किरदार हैं जो निभाने हैं, जो कि बाबा जी ने अगर मेरी करी तो शायद मुझे आगे फ्यूचर में चल के मिलेंगे। तो बस ऐसे ही कुछ दिमाग में आया था। कितना ज़्यादा आप इन्जॉय कर रहे हो इस फोटोशूट को? हम लोगों ने देखा है कृप हमेशा मतलब ऐसे फ़ोटोज़ आप अपलोड करते रहते हो, तो फोटोशूट का मतलब पहले से ही आपको बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं उसको, आई लव कैमरा और इन्जॉय बहुत हम लोगों ने सुबह से इन्जॉय कर रहे हैं दो, मतलब अमित को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, मेरा पहला फ़ोटोशूट भी अमित ने ही किया था, जो कि वो भी बहुत ही बेहतरीन था। और फ़ोटोशूट की बात आती है तो मज़ा आता है, फ़न होता है और बस इन्जॉय करते हो, मुझे इतना मालूम है। कहते हैं हर फोटोग्राफी के पीछे फोटोग्राफर का हाथ होता है, और हमारे साथ क्रिप की फोटोग्राफी के पीछे जो हाथ है वो है अमित खन्ना का। अमित, सबसे पहले बताइए कितने एक्टर्स को आपने कवर किया आज तक? टेलीविज़न में मैंने मृणाल के साथ काम किया है, रिसेंटली अंगद हसीजा के साथ काम किया है, क्रिप के साथ पहले भी काम कर चुका हूँ, ये दूसरी बार है कि हम लोग शूट कर रहे हैं साथ में। इनफैक्ट जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की थी तभी क्रिप वॉज द फर्स्ट फ्यू पीपल जिनका मैंने शूट किया था, तो हाँ इन लोगों का शूट किया है मैंने। हम अगर जानना चाहें तो सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया? सबसे ज़्यादा मज़ा एक्चुअली मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आयरिस के साथ ही आया था, क्योंकि तभी मैं एक्सप्लोर कर रहा था और उसके साथ करते हुए आई एम वेरी कम्फर्टेबल, और हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हैं। मैंने जब सोनाक्षी सिन्हा का भी रिसेंटली शूट किया था तभी उनके साथ भी बहुत मज़ा आया, बहुत ही क्विकली हो गया था हमारा शूट, वी डिड फॉर स्टारबक्स इंडिया, और सबके साथ ही मज़ा आता है, मतलब इफ़ यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट इट्स रियली गुड। क्रिप के साथ आज मुझे इतना मज़ा आ रहा है बिकॉज वो एक्चुअली एकदम इंटरनेशनल मॉडल के जैसे लगते हैं, ऐसे लगता है नहीं कि तुम इंडियन टेलीविजन स्टार को शूट कर रहे हो, यू नो यू एक्चुअली फील यूर शूटिंग समबडी फ्रॉम हॉलीवुड, क्योंकि उनका फेस कट इतना अच्छा, उनकी बॉडी इतनी अच्छी है, और जब भी फोटोज अच्छी आती है तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को मज़ा आने लग गया था, वी ऑल ऑब्वियसली फील वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, यू नो। टॉकिंग अबाउट योर अगेन फोटो शूट, फोटोग्राफर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ही इज ट्रेमेंडस, ही इज गॉट मैजिक, अच्छे खासे बदसूरत आदमी को खूबसूरत बना देगा, देखना अभी कुछ टाइम लोगों के बाद रिजल्ट मिलेगा। तो अमित के हाथों में बहुत मैजिक है, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, और ये भी मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिनके हाथों में ऐसा जादू होता है, एंड ही इज़ वन ऑफ दैट। सो मैं तो बहुत ही इन्जॉय फील करता हूँ, आई फील वेरी हैप्पी एंड कि एंड आई एम फीलिंग वेरी लकी कि अमित इज़ शूटिंग, बिकॉज मैंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स और बड़े बड़े मॉडल्स को शूट करते हुए देखा अमित को, एंड सो मेरे पहले फोटोशूट के बाद मैं ऑलवेज यूज टू थिंक, आई टेल माय वाइफ कि ना कि यार अमित को एक बार ना शूट करना है मुझे किसी तरह, ना आई वांट हिम टू शूट विद मी। सो सी ऊपर वाले ने सुन ली, नाउ अमित इज शूटिंग विद मी, सो आई एम शूटिंग, नाउ ही इज शूटिंग मी, सो विच इज़ अ गुड थिंग, सो दैट्स इट।
सुग्रीव, अब चूँकि हम लोग देखेंगे कि फैंस को अब फोटोशूट के दौरान एक नए क्रिप देखने को मिलेंगे, तो क्या कहेंगे आप फैंस को जाते जाते? जी, मैं ये कहूँगा कि मेरा एक बहुत ही बेहतरीन शो है जो लाइफ ओके पे चल रहा है, कलश एक विश्वास, और मैं उसमें एक रवि का किरदार निभा रहा हूँ जो कि वेरी स्वीट लविंग गाय, बहुत ही जेन्युइन एंड ऑनेस्ट लड़का जो दिखाया है, तो वो देखें ज़रूर। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ बालाजी, सो थैंक यू सो मच टू बालाजी एंड एकता मैम फ्रॉम द इनर कोर ऑफ माई हार्ट, एंड आई जस्ट वॉन्ट माई ऑडियंस टू वॉच कलश एवरी डे एंड मेक इट बिग हिट। ऑलरेडी इट्स ऑडियंस इज लाइक यू नो ना प्यार और मोहब्बत और रिस्पेक्ट दे गिविंग लॉट ऑफ टू कलश, एंड आई जस्ट वॉन्ट कि वो कलश देखते रहे और उसको मेजरली हिट कर दें, लाइफ ओके का में एक बेंच मार्क क्रिएट हो जाए, ऐसा ऐसा कुछ कर दें, बस ऑडियंस के ऊपर ही है, बाकी हम तो कुछ नहीं है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच क्रिप। कैमरा पर्सन फैजान के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, स्टडी मसाला।